और बात करेंगे एलएसी पर राजनीति की। जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रदेश की सेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एलएसी को लेकर चीन की सेना से हुए समझौते पर सवाल उठाने पर करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत का इलाका तो वो भी है जो 1962 से चीन के कब्जे में है। अभी तो सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन को हटाकर पहले की स्थिति बनाई गई है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि चीन के मसले पर राहुल गांधी देश में भ्रम क्यों फैला रहे हैं। दिस इज एब्सोल्यूट 100% कावड़ी कि जब भी देश खुश होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का विषय हो, आज डिसएंगेजमेंट का विषय हो चीन को लेकर, तब राहुल गांधी दुखी होते हैं और इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बहुत ही आसान शब्दों में एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते की बारीकियों को समझाया था, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी क्या समझ बैठे। जिस समझौते से भारत और चीन के बीच कुछ कड़वाहट कम होती दिखी, उस समझौते पर ही सवाल उठाने लगे। सरकार के खिलाफ बोलते बोलते एक बार फिर से सेना को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर फोर तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर थ्री से फिंगर फोर की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेपसांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है, नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। राहुल ने जो सवाल किए वो सेना पर थे, हमारी फौज के साहस और शौर्य पर थे। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गए। एक के बाद एक ट्वीट सामने आने लगे। ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान में वो चीन के भूपू बन गए हैं। प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लग गए। एक अफवाह फैलाने की कोशिश शुरू हो गई। इसलिए सेना ने बिना देर किए राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी के एक एक आरोप का फौज ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को दे दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक इंच जमीन से भी पीछे नहीं हटी है हमारी सेना। राहुल का दूसरा आरोप है कि भारतीय सेना फिंगर फोर से फिंगर थ्री तक पीछे लाई जा रही है। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना का परमानेंट पोस्ट फिंगर थ्री पर ही है, जिसे धन सिंह थापा पोस्ट कहा जाता है। राहुल कहते हैं कि भारत की जमीन फिंगर फोर पर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत की जमीन वहां तक है जहां तक हमारा मैप है। पूरा अक्साई चीन ही भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा 1962 यानी नेहरू के समय से है। राहुल फिंगर फोर के पास एलएसी मानते हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि भारतीय सेना फिंगर एट तक एलएसी मानती है। इसीलिए चाइनीज आर्मी को फिंगर एट के पूरब तक जाने को कहा गया है। राहुल गांधी फिंगर थ्री से फिंगर फोर तक की जमीन नाप रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि भारतीय सेना ने पीएलए के साथ जो डिसएंगेजमेंट समझौता किया है, उसमें चाइनीज आर्मी फिंगर एट से पीछे जा रही है। राहुल गांधी का एक और आरोप है कि नरेंद्र मोदी डेपसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पर चुप है। हकीकत यह है कि इन तीनों एरिया में डिसएंगेजमेंट पर पीएलए के साथ बातचीत जारी है। लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हिंदुस्तान की सेना के आगे चीन की हेकड़ी कैसे धुआं धुआं हो गई, ये वीडियो उसका सबूत है। चीन जिस तेजी से पीछे भाग रहा है, उसकी रफ्तार देखकर दुनिया दंग है। लेकिन जैसे जैसे ड्रैगन भाग रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल जाग रहे हैं।
कल सवाल पूछते पूछते उन्होंने सियासत की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। And nothing has happened on the key area which China wants, Deposang Plains. This is absolute 100% cowardice. There's nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the prime minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime minister should say, I have given Indian land to China. This is the truth. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए जिस तरह भाषा पर अपना कंट्रोल खोया, उससे बीजेपी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। राहुल गांधी की बुद्धि पर सवाल उठाने के लिए बीजेपी की पूरी फौज सामने आ गई। देश खुश होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का विषय हो, चाहे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का विषय हो, चाहे आज डिसएंगेजमेंट का विषय हो चीन को लेकर, तब राहुल गांधी दुखी होते हैं और इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देश का प्रधानमंत्री कायर है, देश टूट गया, देश का एक टुकड़ा चला गया, ये किसको गाली है? यह गाली है तो भारत के शौर्य को है, भारत की आर्मी को है, भारत के मिलिट्री को है, भारत की सरकार को है, भारत के पार्लियामेंट को है, क्योंकि यह स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पढ़ा गया। राहुल गांधी जी को किसी पे विश्वास नहीं है। पप्पू जी की कुंद बुद्धि है या कुंदे की टाल, ये तो वो जाने हैं। लेकिन इन्हीं सज्जन ने पहले हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के सफाए पर सवाल खड़े किए, सर्जिकल स्ट्राइक पर बवाल किया, और अब देश की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक धमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी सेना के हौसले और एलएसी पर गलाने वाली बर्फ और ठंड के आगे लाल सेना के हौसले पस्त हो गए हैं। राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री को कायर कहकर, गद्दार कहकर वो हिंदुस्तानियों का वोट बटोर लेंगे। सियासत में जीत के लिए राहुल गांधी ने न प्रधानमंत्री के पद का ख्याल रखा, न उन्होंने सेना की शहादत का सम्मान किया। कितनी अजीब बात है, न उनको सेना पर यकीन है, न संसद पर यकीन है, न सरकार पर यकीन है। तभी तो सरकार का विरोध करते करते वो दुश्मनों का प्रोपेगेंडा देश में फैलाने लगते हैं।